हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी यानी कर्नाटका डीसीईटी 2020 के आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी 2020 का आंसर की जो है वो रिलीज़ हो चुका है। कैसे चेक करना है आपको ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है कर्नाटका डिप्लोमा से रिलेटेड, तो डेफ़िनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आज आप डिप्लोमा कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी का आंसर की चेक करेंगे, बात है अगले कुछ सालों की जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवाज होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होते हैं, आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपके टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट होते हैं। आप गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, आप 100% प्लेसमेंट कैसे पा सकते हैं, आप गवर्नमेंट से इक्विपमेंट्स कैसे ले सकते हैं अपने ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करेंगे रिजल्ट मिलेगा, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गलत तरीके से चेक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी 2020 और उसके आगे आपको लिखना है आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी 2020, यहाँ पर लिखा है आईएएस पेपर। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे यहाँ देख सकते हैं कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, अगेन डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। मैंने इस पेज को 150% जूम कर दिया है जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी 2020 डीसीईटी आंसर की रिलीज, यानी कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुका है। रिज़ल्ट वगैरह हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो है आंसर की रिलीज़ हुआ है, रिज़ल्ट आएगा आंसर की के बाद आता है, आप सबको मालूम है। पहले एक बार चैलेंज करने का मौका मिलेगा, अगर आपने आंसर की जो है वो अगर सही है तो चैलेंज कर सकते हैं, नहीं करना है आपको अगर गलत आपको ऐसा लगता है, आपके पास प्रूफ है उसको करने का, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। मीनवाइल आपको बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर, कौन से स्टेट से हैं आप। तो मैं कर्नाटका का हूँ तो कर्नाटका पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, कर्नाटका के कहाँ के हैं तो मैं कर्नाटका के बेंगलोर रूरल का हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ एग्जांपल के तौर पे। आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी गाँव या अपने शहर या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो डिप्लोमा है ना ये आता है इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मुझे मालूम है आपकी 10th है, पर यहाँ पे आपको 12th लिखेंगे तो ही आपको डिप्लोमा सीईटी से रिलेटेड फ्री अपडेट्स मिलेंगे। तो 12th लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है, जिससे आपको फ्री में कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएँ। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका डिप्लोमा नोटिफिकेशन। इससे पहले हमने एडमिट कार्ड के लिए वीडियो बनाया था जिसमें एडमिट कार्ड के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किया था 7 अक्टूबर को। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका डिप्लोमा सीईटी ऑब्जेक्शन की हैज़ बीन अवेलेबल 22nd अक्टूबर, क्लिक हियर टू चेक आंसर की डिटेल्स। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखने टाइम में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं KEA DCET 2020 आंसर की जो है वो आउट हो गया, रिस्पॉन्स शीट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रोविजनल आंसर की चेक कर सकते हैं DCET का, जो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं हो रहा है ये, तो आप देख सकते हैं। मे बी होपफुली आप इसमें, आई नो यू अंडरस्टैंड कन्नड़ वेरी वेल, इफ़ यू डोंट देन आई थिंक इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू इंग्लिश। हाँ, ओके, डीसीईटी प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन वगैरह भी रेज कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की चेक करना चाहें तो नोटिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग की, जूम कर देता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वाटर टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिरामिक टेक्नोलॉजी, इन सारे के आंसर की यहाँ पे है। सिविल इंजीनियरिंग का चाहते हैं सिंपली इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आंसर की देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, अगर आपने ये फॉर्म भरते हैं सिंपली कट इट, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। डीसीईटी के ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यहाँ पे डीसीईटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एप्लीकेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ शुड भी एक्जैक्टली सेम जो भी आपके 10th के मार्कशीट के ऊपर लिखा है, यहाँ पे 01/ डालना है, /, और जो भी आपका
डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो रिजल्ट है मतलब ऑब्जेक्शन रेज करने का सिस्टम आपके सामने होगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है डिप्लोमा कर्नाटका डिप्लोमा CET 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।